हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन लर्निंग सेंटर। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि हाउ टू क्रैक IBPS POPRI इन 1 मंथ। पहले तो मैं क्लियर कर दूं कि ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो गवर्नमेंट सेक्टर और बैंकिंग सेक्टर की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ओके, तो आप सभी लोगों ने IBPS का फॉर्म तो भरा ही होगा, तो मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा कि उसका सिलेबस क्या है, कैसे आपको प्लान करना है 1 मंथ में क्रैक करने के लिए। तो पहले मैं उसका सिलेबस डिस्कस कर दूं। IBPS POPRI का जो सिलेबस है उसमें रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश, इन तीन सेक्शन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जिसमें रीजनिंग आपके 35 मार्क्स के, क्वांट आपके 35 मार्क्स के, 35 क्वेश्चंस और इंग्लिश आपके 30 क्वेश्चंस होंगे। जो मार्क्स होंगे इनके 35 रीजनिंग, 35 क्वांट एंड 30 इंग्लिश से, टोटल 100 क्वेश्चंस, 100 मार्क्स। जो ड्यूरेशन होगा वो 1 आवर का होगा। ओके, ये तो आपका सिलेबस हो गया। अब आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। डूज एंड डोंट्स। पहले तो आपको टाइम मैनेजमेंट करना है, जो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि टाइम मैनेजमेंट में क्या करना है, कैसे करना है। इस टाइम पे आप कवर ओनली इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स एंड 2 ऑनलाइन टेस्ट आपको देने हैं ऑन डेली बेसिस। ठीक है, और क्या नहीं करना है, नो नीड टू स्टार्ट न्यू टॉपिक। ओके, एंड द लास्ट वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है, स्टॉप लर्निंग ऑफ करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स अभी आपको बिल्कुल ही नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि आप IBPS POPRI के एग्जाम देने जा रहे हैं। प्री में करंट अफेयर्स से क्वेश्चंस तो आएंगे नहीं, तो आप करंट अफेयर्स बिल्कुल ही पढ़ना बंद कर दें। जो भी आपका करंट अफेयर्स छूटेगा आप उसको 1 वीक में कवर कर लोगे। ठीक है, तो आपको ये करना है और ये नहीं करना है। ओके, टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट आपको क्या करना है, आप मॉर्निंग में कितने बजे उठते हो उससे कोई बात नहीं, लेकिन आपको जो स्टडी टाइम है वो 8 AM मॉर्निंग से स्टार्ट हो जाएगी। 8 AM टू 10 AM आपको इंग्लिश पढ़ना है, और इसमें भी कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो मैं आपको भी बताऊंगा आगे वीडियो में। 10 to 1 आपको रीजनिंग कवर करना है, 1 to 3 आप फ्री हो, रेस्ट करिए आप, 3 to 5 एक ऑनलाइन टेस्ट देना है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट, 5 to 6 आप फ्री हो, एंड 6 to 9 मैथ कवर करना है। मैथ के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मैं भी बताऊंगा अभी आपको। 9 to 10 आप फ्री हैं, लंच टाइम आप लंच करो, डिनर करो, एंड 10 to 12 एक ऑनलाइन टेस्ट आपको और देना है। ठीक है, तो ये 2 ऑनलाइन टेस्ट आपको डेली बेसिस पे देना है। ये ऑफलाइन पढ़ना है, ये ऑफलाइन मैथ आपको ऑफलाइन लगाना है, लेकिन ये 10 to 12 एंड 3 to 5 ऑनलाइन टेस्ट आपको देना है पर डे। ओके, पहले तो एक आपको कोई बुक प्रिफर नहीं करना है, 1 मंथ बचे हैं, तो आपको केवल ऑनलाइन BSc की मैगजीन आती है, BSc मैगजीन आप ले लो मार्केट से,
आपको इसी के सेट्स लगाओ, बस यही आपको करना है। किसी बुक से इसमें कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, कल बीएससी मैगजीन से आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने, उसी पैटर्न पे एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। ओके नॉट स्टार्ट आते हैं। इंग्लिश में कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है? इंग्लिश आप मॉर्निंग में 8 to 10 पढ़ोगे, तो जब आप मॉर्निंग इंग्लिश पढ़ोगे तो सबसे पहले आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है, न्यूज़पेपर पढ़ना है, वो भी आप प्रिफर करोगे द हिंदू ओनली। जिसमें पूरा पेपर नहीं पढ़ना है, ऑडिटोरियल से एक ऑडिटोरियल सेक्शन होता है वो पढ़ना है, ठीक है। जो आईपीएस में इंग्लिश में क्वेश्चन आते हैं वो ज़्यादातर बैंकिंग, फिनेंस और टेक्नोलॉजी या एजुकेशन, इन्हें टॉपिक से वो उठाते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए, तो आपको ये कवर करना है। और जो इंग्लिश के इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो हो गया आपको क्लोज टेस्ट, जो कि 10 मार्क्स का आते हैं, एरर 5 मार्क्स, फिलर आपके 5 मार्क्स के आते हैं, पैरा जम्बल 5 मार्क्स, एंड द लास्ट रीडिंग कॉम्प्रेहेंस, ये 15 मार्क्स के आते हैं। और जब इंग्लिश का सेक्शन सॉल्व करोगे तो सबसे लास्ट में आप रीडिंग कॉम्प्रेहेंस करना। ओके अब आते हैं रीजनिंग के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे। रीजनिंग में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका पजल। पजल के जो फॉर्म है, एक तो इन आउट फ्लोर्स के क्वेश्चंस, सर्कुलर एंड लीनियर, ये पजल से क्वेश्चन होते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप जितना हो सके उतना पजल से क्वेश्चन सॉल्व करें, 20 मार्क्स के एक एग्जाम में आते हैं। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो एस्ट्रोलॉजी, ये 5 मार्क्स के एग्जाम में आते हैं। देन मशीन इनपुट एंड आउटपुट, ये भी 5 मार्क्स के आते हैं। इनइक्वालिटीज, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये टॉपिक आपको कवर करना है। एक होता है ब्लड रिलेशन, रीजनिंग में कुल ये टॉपिक कवर करना है। आप इतने टॉपिक कवर कर लोगे तो रीजनिंग का सेक्शन आपका क्रैक हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं मैथ पे। मैथ के कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आपको कवर करना है? मैथ में DI, डेटा इंटरप्रिटेशन, ये आपका 15 मार्क्स के आते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। एंड सेकंड वन इज नंबर सीरीज, फाइव मार्क्स। मिसलेनियस में अगर आप देखें तो कई सारे टॉपिक आते हैं, ये आपको कवर करना है, बट इन पे ज़्यादा टाइम नहीं देना है। ज़्यादा टाइम आपको देना है DI पे, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट लॉस, स्पीड एंड डिस्टेंस एंड SICI, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, इनसे क्वेश्चंस आते हैं दो दो नंबर के, और ये आपको हेल्प करेंगे DI में, इसलिए आपको DI अच्छे से पढ़ना है। एंड लास्ट टॉपिक जो आपका है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये आपको 0 to 5 मार्क्स के एग्जाम में आता है। अगर आप DI, नंबर सीरीज और क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना ही करते हो तो भी आप इंग्लिश का सेक्शन क्रॉस कर जाओगे, ठीक है। ये तो था इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, हर सेक्शन से कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो आपको पढ़ने हैं।
और लास्ट में आपको बता रहा हूँ इम्पोर्टेंट नोट्स कि आपको क्या करना है। जो भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे एक मंथ में, वो पहले तो किसी बुक से सॉल्व नहीं करना। कोई बुक मैं प्रिफर नहीं करता हूँ इसके लिए, ओनली BSc मैगजीन, यही बहुत सफिशियंट है। इससे ही आपको सारे क्वेश्चंस के पैटर्न मिल जाएंगे, किस किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं आपको BSc मैगजीन से मिल जाएगा। जो मैंने भी आपको टाइम मैनेजमेंट बताया वो फॉलो करना है, तो ही आप IBPS PU क्रैक कर पाओगे। एंड 2 ऑनलाइन टेस्ट आपको डेली देना है। ओके, अगर आप इतना कर लेते हो श्योर आप IBPS PU प्री क्वालिफाई कर दोगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें।